क्या कहते हैं? जब बंदा अकेला होता है ना तो उसके मन में जो भी होता है बहुत सारी बातें जो है फीलिंग्स जो है वो शेयर कर देता है। हाँ। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू ए न्यू ब्लॉग। आज हम जा रहे हैं कॉलोनी पर, और कॉलोनी पर जा रहे हैं, वहाँ पर देखते हैं क्या होता है, और अंत तक बने रहिए, देखते रहिए। वो हमारे दोस्त जो सामने जा रहे हैं, देख सकते हैं आप लोग गाइस, हमारे दोस्त आगे के चल रहे हैं और हम पीछे चल रहे हैं। गाइस ये जा रहा है, इसको बोलते हैं तांगा। गाइस आपके यहाँ इसको क्या बोलते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। प्यारा सा मित्र जिसका नाम विशाल कुमार है, ये हमारे साथ चल रहा है। और बेसिकली आप इंट्रो में देख चुके होंगे कि आज हम कहाँ जा रहे हैं। हम जा रहे हैं हमारे एक कस्बे बरवेश से थोड़ी दूर पे, लगभग 1 किलोमीटर दूर पर हम देखने जा रहे हैं कॉलोनी। जी हाँ, आपने सही सुना। और बेसिकली वो बन चुकी है लगभग, तो मुझे लगता है 5-6 साल हो चुके हैं, लेकिन हम लोगों का आज पहली बार वहाँ विजिट है। देखते हैं वहाँ पर कैसा माहौल रहता है, तो चलिए देखते हैं, बने रहिए हमारे ब्लॉग में। देखिए गाइस, ये जो बंदा है साइकिल चला रहा है और हम लोग जो है पैदल चल रहे हैं। गाइस देखिए, नाइंसाफी, ये नाइंसाफी है भाई। वो कोई प्रॉब्लम है, इस वजह से मैं बैठा नहीं रहा हूँ। आप प्रॉब्लम ये मत समझिए कि साइकिल में हवा कम है, वैसे मेरे अंदर हवा कम है। गाइस बंदा कह रहा हवा कम है, मतलब ये क्या कोई बलून वगैरह है जो हवा से चलता है भाई? चल झूठा। गाइस देख सकते हैं इधर ये खेत है, और इस खेत में जो है बाकला है, बाकला, इसको हमारे यहाँ बाकला बोलते हैं गाइस। तो देख सकते हैं गाइस आपके यहाँ इसको क्या बोलते हैं, कमेंट में जरूर बताइएगा। अल्लाह माफ करे, बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने दो। हेलो गाइस, तो यहाँ पर देख सकते हैं ये लोग हमारे दोस्त इधर टहल रहे हैं, और हम यहाँ आ चुके हैं कॉलोनी में, और बहुत ही शानदार यहाँ का नज़ारा है। चलिए यहाँ से हम बात करते हैं किसी से और पूछते हैं वो लोग यहाँ से कब से रह रहे हैं। ठीक है, तो ये जा रहे हैं कोई, इनसे बात करते हैं और मालूम करते हैं। तो लाखन सिंह जाइए, और देख सकते हैं यहाँ पर कितनी ही अच्छी ब्यूटीफुल चीज़ें, फूल वगैरह हैं। और अब इनसे परमिशन लेते हैं। चलिए आओ चलते हैं गाइस, तो हमें ऊपर चलने की परमिशन मिल चुकी है, तो गाइस चलते हैं हम ऊपर। गाइस तो हम चल रहे हैं ऊपर, तो ऊपर का मुझे लगता है बहुत ही अच्छा सा माहौल है, और यहाँ पर कॉलोनी बिल्कुल नई है, तो इस वजह से कोई दिक्कत भी नहीं है, अच्छा माहौल है एकदम से, फोटोग्राफी करेंगे। गाइस एक स्टोरी से जो है बाहर का नज़ारा, और
यहाँ पर मुझे लगता है कितने यहाँ पर ये थ्री स्टोरी बिल्डिंग है गाइस, और अब हम लोग ऊपर की तरफ चल रहे हैं गाइस। फाइव स्टोरी बिल्डिंग है गाइस, हम तो समझ रहे थे फोर स्टोरी है, ये तो फाइव स्टोरी बिल्डिंग है, पांच मंजिला इमारत है गाइस। गाइस हम चलते चलते थक गए हैं लेकिन आ गए गाइस हम। जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं हम कॉलोनी में आ चुके हैं और यहाँ हमें परमिशन मिल चुकी है ऊपर आने की, तो इस वजह से हम लोग ऊपर आ चुके हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कितने गुड लुकिंग दृश्य हैं, और यहाँ से आप देख सकते हैं ये है पानी की टंकी, ये इस कॉलोनी के लिए है जो कि पानी जो है सप्लाई करता है, और यहाँ से हम आपको अच्छे अच्छे दृश्य दिखाने वाले हैं। मैंने पहले ही बताया था ब्लॉग में कि हम लोग आज कॉलोनी पर आने वाले हैं, और हम लोग आ चुके हैं कॉलोनी पर, और आपने आज वो इन्जॉय किया होगा, देखा होगा नज़ारा। और देख सकते हैं गाइस यहाँ पर जो है कॉलोनी जो है चार टाइप से कॉलोनी बनी हुई है, अलग चार लेंस में बनी हुई है अलग अलग। और यहाँ पर जो है ये तीन मंजिला इमारत है, हम लोग जो है चौथी मंजिल पर खड़े हुए हैं। हाँ ये सही कह रहा हूँ ना। हाँ हमारे यहाँ का बहुत ही स्वच्छ हवा देने वाला नीम का पेड़ है, और गाइस इस नीम की पेड़ की जो दतूने है वो हमारे क्या कौन से बाबा है, रामदेव बाबा, बाबा रामदेव जो है वो पतंजलि से पैक करके बेचते हैं, और वो यही पेड़ है जो दतूने हैं वो अमेरिका में भी बिकती हैं। हाँ बहुत ही अच्छे दामों पर, और देखिए हमारे यहाँ खड़ा है, बहुत ही सुंदर बहुत ही स्वच्छ हवा देता है। और यहाँ पर देख सकते हैं ये जा रहे हैं मिट्टी को लेकर, और बच्चे देखिए खेल रहे हैं, गाँव का माहौल है। और ये यहाँ पर देखो कितनी अच्छी सी सीन है, ये देखो खेत हैं, ये देखो टमाटर के खेत हैं, और ये सरसों है, और मुझे लगता है उधर देखो वहाँ पर एक सांड है जो कि गेहूं के खेत में है, और बहुत ही अच्छे से कर रहा है और हमारा नुकसान कर रहा है बहुत ज़्यादा। और ये देखो ये आप देख सकते हैं यहाँ से सन ऐसा लगता है, बहुत ही अच्छा सा, इन्हें आप बहुत भली भांति जानते होंगे, ये इस टाइम पर बादलों से घिरे हुए हैं, और बहुत ही अच्छा सा आज का एक्सपीरियंस है मेरे ख्याल से। तो मिस्टर विशाल सिंह आप कुछ कहना चाहेंगे? हाँ विशाल सिंह आप कुछ कहना चाहेंगे? विशाल टी 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 टी। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। नहीं विशाल सिंह जो है कुछ नहीं कहना चाहेंगे, कुछ तो कह दीजिए दो चार लाइंस, आपको यहाँ पर आके कैसा लग रहा है? हमको यहाँ पे आके बहुत बढ़िया लग रहा है, ये सब माहौल देख के बहुत बढ़िया महसूस हो रहा है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ कॉलोनी बनी है, हमारे में तेरे बाप को मत सिखा, चल पानी चढ़ता है इन टंकियों में आता है। हाँ वैसे हम देखते हैं कि यहाँ पर पानी आया है कि ये खाली ऐसे ही बनी है, मुझे लगता है नीचे नल चल रहा है तो इस वजह से इसमें पानी होगा नहीं। हाँ तो यहाँ पर पानी नहीं है, व्यवस्था नहीं है इसलिए। हाँ यहाँ मोटर चल नहीं पाता है। नहीं है तो व्यवस्था है, लेकिन मुझे लगता है यहाँ पर लाइट आती नहीं है इस टाइम पे, लाइट की व्यवस्था खूब बढ़िया से नहीं है, ट्रांसफार्मर भी रखा है यहाँ पे। हाँ तो हम लोग अब सोचते हैं एक दो सेल्फी वगैरह लेंगे, अच्छे से फोटो लेते हैं, और फिर उसके बाद में आपको जो है आगे का दिखाते हैं दृश्य। आप गाइस देख सकते हैं यहाँ पे एक दरवाजा भी है, हम आपको दिखाते हैं वो दरवाजा, दिखा रहे हैं दरवाजा खोल के, यहाँ से बहुत सुंदर है। ओह माय गॉड, यहाँ पर देख सकते हैं बहुत सारी टंकियां भी रखी, हम आपको हर तरफ घूम के दिखाएंगे अगर हम यहाँ से वहाँ तक जा सकते हैं तो। गाइस यहाँ पर देखिए यहाँ पे पाइप भी पड़े हैं एक छत पर, जो गाइस है तीन टैंक रखे हुए हैं पानी के, लेकिन उनमें पानी नहीं है। यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पे बहुत ही, ओह माय गॉड ये क्या है गाइस, ये क्या है देखिए, पाइप आए हैं ऊपर वाटर के लिए, जो है वाटर माने पानी के लिए। और गाइस ये जो है कॉलोनी के पीछे का नजारा है, आप देख सकते हैं गाइस यहाँ पर ये देखिए खेत है उसके टमाटर के हैं, और ये इस तरीके से होते हैं यहाँ पर टमाटर। हाँ पुष्पा वाला भाई हमारे दादा जो है शिवम भाई, अभी आपको पुष्पा का स्टेप करके दिखाएंगे। हाँ तो यार पुष्पा हमारे सपनों में आती है, बाकी
हमको सहराज नहीं है। तो कौन हो भाई? मैं नहीं बताऊंगा। एकदम से खूबसूरत है, अच्छा बढ़िया लगती है आपको, ख्याल में रहते हैं। चल झूठा। ये है आपकी। वाह, मुझे यहाँ पर मिला है कुछ ऐसी दृश्य मई चीज। क्या? क्योंकि वहाँ पर देख सकते हो एक बना ही टॉयलेट, वो अभी पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुका है और मुझे लगता है गाइस ये रहा, लेकिन इसका कोई यूज नहीं है फिलहाल क्योंकि इसमें छत ही नहीं है गाइस, क्या करेंगे इसका। ये खुले में सोच ना करें, ये उसका विरोध कर रहा है पूर्णतया। पूर्णतया सच है क्योंकि यहाँ पर खुला भी है और सोच करने के लिए जगह भी है। तो मैं सरकार से कहना चाहता हूँ कि ये नौटंकी करना बंद करे और इसके ऊपर कृपया से शेड लगवाए और अपने इस वचन को पूर्णतया करें क्योंकि खुले में सोच करना वर्जित है। भाई ने बहुत ही अच्छा ज्ञान दिया है, यहाँ पर सभी लोग ज्ञान का पालन करें। और हम आपको, हो सकता है कि ये, हाँ मेरा पैर सही नहीं है तो इस वजह से चल नहीं सकते हैं सही से, फिर भी आपको दिखाते हैं, बट ये अंदर से बंद है तो। गाइज उसको खोलने की जरूरत नहीं है कि लगता है वहाँ पर कोई रहता है, इसीलिए हम उस दरवाजे को नहीं खोलेंगे और वो इस साइड से खुलेगा भी नहीं गाइज। मतलब अच्छा 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 अच्छा। आप बहुत ही अच्छे अच्छे से दृश्य देख रहे हो हमारे द्वारा और हो सकता है हम आपको जब मेरे बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगे तब आपको उस टंकी पे चढ़ के दिखाएंगे। हाँ गाइस, ऊपर से दृश्य वो थोड़ी सी इससे ऊंची है तो वहाँ पे बहुत ही अच्छा सा नजारा होगा। तो पांच मंजिल की होगी। ठीक है गाइस, यहाँ पर बहुत ही तेज जो हवा चल रही है गाइस, बहुत ही ज्यादा सर्दी भी हो रही है। हाँ गाइस, तो यहीं पर हम अपने, लगता है मुझे अब यहाँ पर रहने की जरूरत है और मैं अकेला रहना चाहता हूँ अपनी बसंती के साथ। ये आपकी बसंती है? नहीं मतलब वो यार कहते हैं ना, क्या कहते हैं, जब बंदा अकेला होता है ना तो उसके मन में जो भी होता है बहुत सारी बातें जो है फीलिंग्स जो है वो शेयर कर देता है। हाँ। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। और ये तो मेरा बेटा है। ओ, आपका बेटा? कितने आपके लड़के हैं? क्या मतलब बात समझ में नहीं आई कुछ? बहुत यार, दर्जनों भर के मतलब हम भूल जाते हैं। चल झूठा, मेरा बेटा है और मेरा दोस्त है तो इसके लिए माफी चाहूंगा और आपको आइए नीचे उतार के दे दे। घर के अंदर जो कुछ भी है हम दिखाएंगे, देखते हैं वो इसके अंदर क्या क्या है रसोई के अंदर। देखते हैं तो यहाँ रसोई देख सकते हो, तो बहुत ही अच्छा, मतलब एक परिवार रहने के लिए जो है बहुत अच्छी जगह। यहाँ पर एक जो है तख्त पड़ा हुआ है और उनका बिछौना रखा हुआ है और देखिए कितने अच्छे फ्लावर हैं, देख सकते हैं कि टाइम भी लगा हुआ है गाइस। और यहाँ पर जो है इलेक्ट्रिक बोर्ड दिया गया गाइस, जिससे अपना फोन चार्ज कर सकते हैं, जो भी आपके इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स हैं उनको चार्ज कर सकते हैं, उसके लिए यहाँ पर ये बोर्ड दिया गया है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे टॉयलेट भी है। हाँ जी हाँ, बहुत ही टॉयलेट भी अच्छा खासा है। वैसे सब क्या देखना पड़ रहा है, अच्छा है मैं अंधा हूँ। और यहाँ पे नहाने वाला भी है ये, और देख सकते हैं यहाँ हम दिखाते हैं आपको, ये इनका है किचन। और यहाँ पर वैसे गैस चूल्हा तो है नहीं, तो वो अपना खाना टेम्परेरी बना रहे हैं। वैसे यहाँ पर सारा कुछ व्यवस्था जो है अच्छी सी है। और जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे कितने कितने अच्छे से फूल हैं, इनकी खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। आप देख सकते हैं कि माता जी की फोटो भी लगी है जी। और यहाँ पर इनकी ये बालकनी दी है जो कि फर्स्ट फ्लोर पर है। और यहाँ पर देखो कितने अच्छे से फ्लावर हैं, और यहाँ से ये व्यू इस तरीके का है, कुछ बहुत ही शानदार है। तो मुझे लगता है ये इसमें क्या बन रहा है, बता सकते हो कृपया आप? ये बहुत देर से इसी पे रखी है, इसमें सब्जी बन रही है, बहुत देर हो चुकी है सब्जी बनते बनते। अब हम यहाँ पर कुछ फोटोग्राफी करेंगे और फिर उसके बाद चलते हैं घर की ओर। ब्लॉग समाप्त होगा, यहीं पर समाप्त होता है। Oh,
दोस्तों ये था हमारा आज का ब्लॉग, और इस ब्लॉग में हमने देखा कॉलोनी का पूरा टूर, और यहाँ पर जो रहते हैं उनके घर का भी व्यू दिखाया, उनके कमरे का कि किस तरीके से उनका किचन बाथरूम ये सारी चीज़ें हैं। तो हमारे ब्लॉग में बने रहिए ऐसे वीडियो देखने के लिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए वंदे मातरम, नमस्कार।